पता है लड़कियों को बचपन से टीचर बनने का बहुत शौक होता है। जब भी उनसे को पूछे कि बड़े होकर बेटा क्या बनोगे तो वो मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं टीचर बनूंगी। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल भी टीचर नहीं बनना चाहती थी, बनना कुछ और चाहती थी, लेकिन बन गई टीचर। लेकिन जब मैं टीचर बन गई ना तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ना पुत, तू ऐसे काम वास्ते बनी सा, क्योंकि जिस तरह की मेरी आदत थी शुगर मेले वाली, तो पूरा दिन पहले दिन स्कूल में चला वही था शुगर मेला। तो खैर मैं आपको अपनी सुनाती हूँ कहानी अपनी पहले दिन की। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा क्योंकि टीचिंग का ही पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपनी बेबे को बोला कि मामा मुझे कम से कम 30 जोड़े कपड़ों के ले दो ताकि मेरा कोई जोड़ा रिपीट ना हो, क्योंकि मैं टीचर भर्ती हुई हूँ। मेरी मामा ने पहले तो मुझको छितर मारे, फिर मामा ने बोला कि ये जो है ना जोड़ा जो ऑलरेडी है तुम्हारे पास यही पहन के स्कूल जाओ, जब कमाई करके बोबे लेके आओगे ना पैसों के तो फिर मुझे कहना कि सूट ले दो ने। तो फिर मैंने कहा खैर, अपने जो अच्छे जोड़े थे उन सब में से एक अच्छा सा जोड़ा सिलेक्ट किया, वो पहना मॉडर्न से बन के। मैं सिटी में रहती थी, गाँव के एक स्कूल में मैं गई तो दरवाज़ा ढूंढा, दरवाजे दो थे। मैंने कहा ये वाला दरवाज़ा होगा, ये बड़ा वाला दरवाज़ा तो ये वाला दरवाज़ा होगा। मैंने दरवाजे को हल्का सा नॉक किया, टक 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 टक, तो जी थोड़ी देर बाद कोई एक दो मिनट तक तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने कहा है कि मैं टीचर भर्ती हुई हूँ, मैं को डरन की जरूरत है। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा टक 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 पीट डाला। खैर अभी पीटने की देर थी, एक फ़ौरन ही एक आवाज़ 8-9 साल के बच्चे की आवाज़ आई, ओए केड़ा है ओए, हाथ खोला रख, तेरे प्यो दा बुआ है, पान छिड़न लगा। मैंने साथ ही में क्या उल्ला है, तो तेरे भी साथ बैठे थे। मैंने कहा बेटा मैं टीचर आपकी, न्यू टीचर आपकी मैडम से मिलने आई हूँ, दरवाज़ा खोलें। तो आगे से बच्चे की आवाज़ आई, ते शैतानी जी एंजा खोना, तुम नवी टीचर हो। शैतानी जी एनू क्या पता लग गया मैं शैतानी शैतानी कम करनी हाँ। तो मैं तो बड़ा हैरान परेशान हो गई, शैतानी जी चंदना मारिया होया बच्चे स्कूलों नठ जाते ने। मैं क्या लै बच्चे इतों ही नठ जाते हैं, किड़ा स्कूल है तू बच्चे नठ जाते हैं। मैं दिल से सोचा मैं कह लो जी चौकीदार भी कोई नहीं जाते। खैर बच्चा गया तो को 5 मिनट बाद ना उसकी वापसी हुई, बच्चा आया साथ 2-3 और बच्चे भी थे। उसने दरवाज़ा खोला स्कूल का तो 2-3 और बच्चे, वालकम 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 शैतानी जी। मैं तो शैतानी जी थे ना, मैं कहीं आला इनको शैतानी किसने बता दिया कि मेरी इस तरह की आदत है थोड़ी सी। तो मैं हर चुप करके गई, मैडम से मिली, स्टाफ से मिली। मैडम क्या थी, मैडम भी एक बसीदा सी ओल्ड उम्र सीधा खातून थी, इसी तरह बाकी का भी स्टाफ था, अंडों में काना राजा, एक मैं ही थी जवान बीच में। खैर मैं उनसे मिली जुली घुली मिली। फिर हो गया असेंबली का टाइम, असेंबली का टाइम जब बच्चे धूप में इकट्ठे होना शुरू हो गए, बाहर इकट्ठे ग्राउंड में असेंबली की तैयारी शुरू हो गई, मैं भी साथ साथ। मैं अपने आप नो कोई 1,00,000 गालवाई, मैं कह लै हूँ पुत हूँ बह के बचपन तो बुढ़ापे तक असैम्बलियाँ कराती रह, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मारी, बचपन तो बुढ़ापे तक लप्पे आती कराती रह। और केड़ी लप्पे आती दुआ, समझ तो गए हो गए, केड़ी लप्पे आती दुआ जड़ी हूँ तक पूरी नहीं हो रही। तो लप्पे आती दुआ भी धुप्प च खलो के 8:30 बजे जून जुलाई के महीने च केड़ी दुआ लप्ते आँदी है, तो लप्पे आती ना गले के बच्चे वड़ जाती है। खैर वो फिर क्या था, मरता क्या ना करता, बाकी भी खलोते सन, बच्चे भी खलोते सन, टीचर भी खलो, मैं भी खलोगी धुप्पे। एक बच्ची का सहारा लैके उदे ते मैं जरा इंज करके ना इंज कोनी ला ले, इंज करके जरा मैं कहना होया बेहोश हो के चक्कर आए थे डिग जाते, इज्जत फलूदा हो जाए पहले दिन ही डिग पई।